दोस्तों हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में आपको 250 से भी अधिक कोर्स मिलेंगे, जो कि यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके अलावा यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, एमए इकोनॉमिक्स एंड यूजी इकोनॉमिक्स के हैं। इसके अलावा इस पूरे के पूरे एप्लीकेशन में आपको वीडियो कोर्स के अलावा टेस्ट सीरीज और नोट्स भी मिलेंगे। इसके अलावा फ्री नोट्स अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो आप हमारी एप्लीकेशन के जो 3 डॉट है उसमें आपको स्टडी मटेरियल का ऑप्शन मिलेगा, यहां से आप फ्री नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आप बच्चों से डिस्कस करने वाले हैं रिकार्डियन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। तो बच्चों, हालांकि रिकार्डो ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कोई अलग थ्योरी डेवलप नहीं की, उनके जो विचार हैं उनको हम थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से ज्यादा बेटर तरीके से जानते हैं। तो अगर आप यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में हैं तो आपको रिकार्डो की डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी जो है वो पढ़नी होगी, और अगर आप यूजीसी नेट में हैं तो आपको यही जो टॉपिक है ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मिलेगा। तो बच्चों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं कि रिकार्डो ने किस तरीके से बताया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरीके से होता है और किस तरीके से इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बच्चों, सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो उन्होंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 3 माने, एक तो लैंड को माना, दूसरा लेबर को माना और दूसरा उन्होंने एंटरप्राइज को माना। तो लैंड को जो मिलता है वो मिलता है रेंट और लेबर को मिलता है वेज और जो इंटरप्राइज है उसको मिलता है प्रॉफिट, जिसमें इंटरेस्ट भी शामिल है। तो प्रॉफिट जो है वो रेजिडुअल इनकम है, यानी कि सबसे पहले जो टोटल इनकम हुई, टोटल इनकम, उसमें से रेंट को माइनस कर दिया जाता है और जो सरप्लस बचा, इसका जो बचेगा उसको बोलेंगे सरप्लस, उसमें से वेज को माइनस कर दिया जाता है और जो बचेगा वो प्रॉफिट है, और इस प्रॉफिट को रीइन्वेस्टमेंट करने से ही ग्रोथ आता है। बच्चों, यही मैं आपको समझाने का पूरा कोशिश करूंगा कि किस तरीके से ग्रोथ जो है वो प्रॉफिट की वजह से आता है। तो यहां पे लिखा हुआ है कि रिकार्डो ने जो थ्योरी डेवलप की है उसको हम नॉर्मली थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। दिस थ्योरी बेस्ड ऑन मार्जिनल एंड सरप्लस प्रिंसिपल। देखिए, दो बातें हैं, मार्जिनल एंड सरप्लस प्रिंसिपल। मार्जिनल का मतलब होता है कि हम किस तरीके से रेंट को शेयर देंगे, यानी कि ये हमारा मार्जिनल है, मार्जिनल प्रिंसिपल बेस्ड है। आपने पढ़ा भी होगा बच्चों रिकार्डो की रेंट थ्योरी, जिसमें हमने बताया था कि मार्जिनल जो लैंड होती है उसको किसी भी तरीके का इकोनॉमिक रेंट नहीं मिलता है। इसी तरीके से जो पैसा मिलेगा वेज को और प्रॉफिट को उसको बोलते हैं सरप्लस प्रिंसिपल, क्योंकि जो बचेगा वो सरप्लस बचेगा। तो बच्चों, थ्योरी को मैं आपको समझाऊं उससे पहले अच्छा रहेगा कि आप इस थ्योरी की कुछ अजम्पशंस आप समझ लें, जिससे कि आपके लिए भी कंसेप्ट समझना आसान हो जाए और मेरे लिए समझाना आसान हो जाए। सबसे पहले इन्होंने माना है कि लैंड की सप्लाई फिक्स है और हम केवल एक ही गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो कॉर्न है। इसका मतलब हम केवल एक ही गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी कि वन कमोडिटी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम ये मान रहे हैं वन कमोडिटी का ही प्रोडक्शन हम कर रहे हैं। दूसरा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन करते हो आपका जो एवरेज प्रोडक्ट है और मार्जिनल प्रोडक्ट है वो गिरेगा, यानी कि आपका जैसे जैसे आप प्रोडक्शन करते हो आपको कम अच्छी लैंड का यूज करना पड़ेगा, कम अच्छे लेबर का यूज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका जो प्रोडक्शन है वो गिरेगा, ये हमें मानने हैं। इसके अलावा लेबर एंड कैपिटल आर वेरिएबल इनपुट्स, लेबर को भी चेंज कर सकते हो, कैपिटल को भी चेंज कर सकते हो। ऑल वर्कर पेड सब्सटेंस वेज, ये आपको याद रखना है बच्चों कि जो वेज है वो हमेशा सब्सटेंस लेवल पे रहता है। सब्सटेंस मतलब है जीवन निर्वाह करने के लिए जितनी मिनिमम मजदूरी की जरूरत होती है केवल उतनी मजदूरी लेबर को दी जाती है, लेबर को कोई भी सरप्लस पैसा नहीं मिलता है। इसके अलावा ये भी अजम्पशन है कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो फिक्स है, परफेक्ट कंपटीशन है। डिमांड फॉर लेबर डिपेंड अपॉन एकोमुलेशन ऑफ कैपिटल, यानी कि कितनी डिमांड है ये कैपिटल के एकोमुलेशन पे डिपेंड है। कैपिटल एकोमुलेशन का मतलब कितना पैसा हम निवेश कर रहे हैं मार्केट में, उस पर डिपेंड करता है डिमांड फॉर लेबर। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतनी ज्यादा डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी। एंड कैपिटल एकोमुलेशन रिजल्ट ऑफ प्रॉफिट, और जो कैपिटल एकोमुलेशन होगा वो प्रॉफिट की वजह से होगा, यानी कि जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा, यानी कि प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो जो कैपिटल एक्युमुलेशन है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा और जो लेबर की डिमांड है वो ज्यादा होगी। तो ये बच्चों आपको समझना है। इसके अलावा बच्चों, मैं आपको थ्योरी का डायग्राम, देखिए अच्छा तो ये रहेगा कि हमें डायग्राम से समझाएं। डायग्राम समझने से पहले कुछ बेसिक एलिमेंट है वो हम समझ लें। उन्होंने कहा कि देयर आर लैंडलॉर्ड, कैपिटलिस्टिक एंड लेबर, 3 चीजें होती है जिसके बीच में सारा का सारा जो प्रोडक्शन है वो बचता है। लैंडलॉर्ड को मिलता है रेंट,
कैपिटलिस्ट को मिलता है प्रॉफिट और लेबर को मिलता है वेज, यानी कि लेबर तीन ही तरीके की, यानी कि टोटल इनकम जो है मैंने आपको जैसे बताया, इनकम में से सबसे पहले रेंट चुकाया जाता है, फिर वेज चुकाया जाता है, और जो बचता है वो प्रॉफिट होता है। टोटल इनकम में से सबसे पहले रेंट आप चुकाओगे, उसके बाद वेज चुकाओगे, उसके बाद जो बचेगा वो प्रॉफिट होगा। तो यहां पे मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है यहां पे कि आप रेंट कैसे निकालोगे। रेंट होता है एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच का डिफरेंस। आप याद रखिएगा, रेंट होता है हमेशा एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच का डिफरेंस है। डायग्राम के थ्रू अगर हम बताने की कोशिश करें, यहां पे हम डायग्राम बना लेते हैं एक बार, इस जगह पे ये डायग्राम बना हुआ है, तो मैं आपको डायग्राम भी बना देता हूं रेंट किस तरीके से शो करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया ऑलरेडी, एक मिनट बेटा, हाँ जी, जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बताया कि यहां पे हम लिख लेते हैं लेबर, यानी कि जो भी हमारा लेबर काम कर रहा है, और यहां पे हमारा आउटपुट है। तो क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की स्टेज में काम कर रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि यह हमारी है एवरेज प्रोडक्ट, और इस केस में यह हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है, और एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच का जो डिफरेंस है वही रेंट कहलाएगा। यानी कि रेंट कितना होगा, जितना एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच का डिफरेंस। तो ये जो है वो रेंट की बताने की कोशिश की जा रही है, यहां पे हम थे। इसके अलावा जो वेज है वो हमेशा वेज जो होता है वो सब्सटेंस लेवल पे वेज रहता है, यानी कि हमेशा आपको क्या करता है, एक वेज फंड बना लिया जाता है, और उस फंड में से जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं वो डिवाइड कर दिए जाते हैं, उससे वेज रेट डिसाइड होता है। और जो वेज होता है वो हमेशा सब्सटेंस लेवल पे काम करता है, यानी कि जो हमारा प्रॉफिट है वो कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल आउटपुट में से माइनस कर देंगे रेंट, और जो बचेगा वेज उसमें से जो बचेगा उसको प्रॉफिट कहेंगे। तो बच्चों मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले इनकम में से रेंट को माइनस किया जाता है, उसके बाद वेज को माइनस किया जाता है, और जो बचता है वो प्रॉफिट होता है। जब आप प्रॉफिट को रीइन्वेस्टमेंट कर दोगे, दोबारा से निवेश कर दोगे, तो आपकी इसको बोलते हैं कैपिटल एक्युमुलेशन। कैपिटल एक्युमुलेशन डेवलपमेंट की वजह होती है, और डेवलपमेंट कब तक चलता रहता है, जब तक कि स्टेशनरी स्टेज नहीं आ जाती, यही आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। प्रोडक्शन फंक्शन की बात बच्चों हम ऑलरेडी कम समझ चुके हैं कि तीन फैक्टर होते हैं, कैपिटल, लेबर और इंटरप्राइजेस। कैपिटल यानी कि जो श्रम की मात्रा है, और जो आपकी लैंड है, वो तीन चीजें होती हैं। कैपिटल एक्युमुलेशन का रोल हमने आपको ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैपिटल एक्युमुलेशन। कैपिटल एक्युमुलेशन का मतलब है कि जो प्रॉफिट हुआ, देखिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, अच्छा रहेगा कि मैं आपको कैपिटल एक्युमुलेशन एक एग्जांपल से समझा देता हूं। देखिए मान लीजिए कि आपका जो आपकी क्वांटिटी का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 100 यूनिट हो रहा है, और ये मान लेते हैं कि जो प्राइस है वो 100 है, जिसकी वजह से आपका जो टोटल आउटपुट है, टोटल रेवेन्यू जो हो रही है वो 10,000 हो रही है, सिंपल तरीके से हमने मान लिया, ठीक है जी। अब इसमें से सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेंट चुका देते हैं। आपने रेंट मान लीजिए 8,000 चुकाया, या चलिए मान लीजिए 8,000 तो ज्यादा हो जाएगा, आपने मान लीजिए 4,000 रुपए रेंट दे दिए, तो जो बचेगा वो 6,000 बचेगा। 6,000 में से आपने क्या किया, 1,000 रुपए का वेज दे दिया, तो उस 1,000 रुपए का वेज देने के बाद आपके पास जो 5,000 बचेगा वो आपका प्रॉफिट होगा, ये आपका प्रॉफिट हुआ। अब इस प्रॉफिट को क्या करोगे, आप री इन्वेस्टमेंट कर दोगे, री इन्वेस्टमेंट। रीइन्वेस्टमेंट करने से जो लेबर की डिमांड है वो बढ़ेगी, लेकिन आपकी जो प्रोडक्शन है वो उतना नहीं बढ़ेगा जितना पहले बढ़ा है, क्योंकि आपको कम अच्छे लेबर को और कम अच्छे कैपिटल का यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब लेबर की डिमांड बढ़ेगी, इसका मतलब जो आपका जो रेंट है वो पेड करोगे, वेज पे करोगे, प्रॉफिट आएगा, फिर आप उस प्रॉफिट को रीइन्वेस्टमेंट कर दोगे, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपका प्रॉफिट खत्म नहीं हो जाता। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है कैपिटल एक्युमुलेशन, यानी किस तरीके से आप पैसे को बार 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 रीइन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये इस पूरी की पूरी थ्योरी का बेस है। तो कैपिटल एक्युमुलेशन से आउटपुट बढ़ता है, मोर एम्प्लॉई लोग काम करते हैं, जिसकी वजह से टोटल वेज बढ़ता है और पॉपुलेशन बढ़ती है। डिमांड यानी कि जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो कौन की डिमांड बढ़ेगी, इसकी वजह से इंफीरियर लैंड पे काम करना पड़ता है, रेंट इंक्रीज होता है, एज दी मार्जिनल एक्सपेंड प्रॉफिट गिरता है, इन्वेस्टमेंट गिरता है, ग्रोथ जो है वो गिरती है, और एक समय स्टेशनरी स्टेज आ जाती है। बच्चों सबसे अच्छा तरीका तो मैंने आपको बताया इस थ्योरी का समझने का यही रहेगा कि हम इसको डायग्राम के थ्रू समझें। देखिए डायग्राम में हम यहां पे आ गए। अब मान लेते हैं कि हमने ऑलरेडी समझा कि ये हमारा एवरेज प्रोडक्ट है, ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है, और
इस केस में मान लीजिए हम इतने लोगों को काम पे लगा रहे हैं, हमारा काम पे लगाने का पर्पज है एन जीरो लोगों को काम पे लगा रहे हैं, इसका मतलब इस केस में आप देखोगे तो जो टोटल आउटपुट है इसको हम नाम दे देते हैं, हम इसको ए बोल देते हैं, और मान लेते हैं कि ये जो वेज है ये सब्सटेंस लेवल वेज है। सब्सटेंस का मतलब है इतना वेज तो आपको देना ही पड़ेगा इंप्लॉइज को, ये हमारा वेज है, सब्सटेंस वेज बोल देते हैं इसको, एस डब्ल्यू मतलब सब्सटेंस वेज है। अब इस केस में हम देखें तो ये जो हिस्सा है ये वाला इसको नाम कुछ भी दे दीजिएगा, मैं पी पी वन बोल देता हूं, यहां पे पी टू बोल देते हैं, ओके जी, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं, नाम में कुछ नहीं रखा, इसको ओ बोल देते हैं, इसको एन बोल देते हैं, एन जीरो। तो ये जो हिस्सा है ये वाला, ये एक तरीके का रेंट पे कर दिया है, ये रेंट पे कर दिया गया है, और ये हिस्सा जो है ये वाला, ये हिस्सा वेज है, और ये हिस्सा जो है वो प्रॉफिट है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, लिखने को मैं यहां साइड में लिख सकता हूं कि जो रेंट है वो पी पी वन ए बी है, इसके अलावा जो वेज है वो ओ पी टू सी एन जीरो है, और जो प्रॉफिट है वो पी टू पी बी सी है। मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन आपको बात समझ में आ रही होगी, ये मैं उम्मीद कर रहा हूं। अब जब इस प्रॉफिट को आप री इन्वेस्टमेंट कर दोगे, तो आपको जब प्रॉफिट री इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो आपको कम अच्छी लैंड का यूज करना पड़ेगा, कम कुशल लेबर को यूज करना पड़ेगा, इसकी वजह से आपका प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी, प्रोडक्शन तो बढ़ेगा लेकिन प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी। इसका मतलब अब आप देखिए कितने लेबर लेबर पे काम पे लगा रहे हैं, मैं यहां पे इस तरीके से दिखा देता हूं। अब मान लीजिए आप एन वन लेबर को काम पे लगा रहे हैं, तो आप देखिएगा कि आपको यह हिस्सा पूरा का पूरा हिस्सा ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा दिस वन, ये पूरा का पूरा हिस्सा वेज के रूप में देना पड़ रहा है, ये वेज हो गया आपका पूरा का पूरा हिस्सा, ये हिस्सा, ये डिफरेंस होता है ना ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा रेंट के रूप में देना पड़ रहा है, और ये वाला हिस्सा आपको प्रॉफिट के रूप में अवेलेबल है दिस वन। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि आप इस लेवल पे आप नहीं आ जाते, एन टू लेवल पे। इसका मतलब इस लेवल पे आप देखिए ये वाला हिस्सा जो है ये सारा का सारा रेंट के रूप में चला गया, ये सारा का सारा वेज के रूप में चला गया, और किसी भी तरीके का प्रॉफिट नहीं बचता। इसी को स्टेटरी स्टेज कहा गया है। मैं आपको एक बार फिर से बनाने की कोशिश करूं, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मैं एक बार आपको फिर से समझा सकता हूं, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल डायग्राम है, ज्यादा हम कंफ्यूज नहीं करना चाहते बच्चों आपको, कि यह हमारा एपी है एवरेज प्रोडक्ट, यह हमारा एमपी है मार्जिनल प्रोडक्ट, एपी और एमपी के बीच का डिफरेंस ही कहलाएगा रेंट, लेबर है, और ये टोटल आउटपुट है, ओके बच्चों, ये हमारा वेज रेट है, सब्सटेंस लेवल पर वेज है, बिल्कुल सब्सटेंस लेवल पे, यानी कि इससे कम वेज आपको मिल ही नहीं सकता। अब हम मान लेते हैं कि हम केवल और केवल इस इतने लोगों को काम पे लगाते हैं ओ एन जीरो को, इसका मतलब ये हिस्सा जो है इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी E और F। अब ये हिस्सा जो है ये चला गया हमारा रेंट, ये हिस्सा जो है ये हमारा कहलाएगा वेज, और ये हिस्सा कहलाएगा प्रॉफिट। तो जब आप प्रॉफिट को री इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब आप इस जगह लेवल पे आ जाओगे, इस लेवल पे आ जाओगे, इस लेवल पे, यानी कि इस लेवल पे आने के बाद क्या होगा एन वन पे आपका ये वाला हिस्सा, यहां से मैं सर्कल नहीं कर रहा हूं लेकिन आप समझ जाना कि ये हिस्सा रेंट के रूप में चला गया, ये हिस्सा वेज के रूप में चला गया, और किसी भी तरीके का प्रॉफिट नहीं हो रहा है, और इस स्टेज को हम बोलते हैं स्टेटरी स्टेज। बच्चों एक और डायग्राम बना सकते हैं, इसमें तो हमने एवरेज का बताया है, एक और डायग्राम के थ्रू हम इस कॉन्सेप्ट को समझा सकते हैं। यहां पर जो हमने लिया है वो लिया है हमने टोटल के रूप में, देखिए बात वही है बट डायग्राम बनाने का अंतर यह आ गया है कि जो भी हम ले रहे हैं यहां पे ये टोटल के रूप में ले रहे हैं, टोटल के रूप में ले रहे हैं, ठीक है जी। टोटल का मतलब ये हुआ कि इस तरीके से ये हमारा वेज है, सब्सटेंस वेज है ये हमारा टोटल के रूप में, और ये हमारा टोटल प्रोडक्शन है जो कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की वजह से इस तरीके का है, ये हमारा टोटल प्रोडक्शन है टीपी बोल देते हैं।
इसके अलावा ये भी है हमारा प्रोडक्शन का लेवल, लेकिन इसको हम बोलते हैं सरप्लस। इसका मतलब क्या है कि ये जो बीच का डिफरेंस है ये रेंट है, यानी कि रेंट को हमने माइनस कर दिया तो जो बचेगा वो ये वाला हिस्सा बचेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब मान लीजिए कि हम कितने लेबर काम पे लगाते हैं, हम मान लीजिए आर जीरो लेबर काम पे लगाते हैं, आर वन लेबर, तो आप देखिएगा ये हमारा वेज है और ये हमारा प्रॉफिट है। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल समझ में आ रहा होगा। प्रॉफिट को जब आप री इन्वेस्टमेंट कर दोगे, जब आप री इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो आप इतने लेबर काम पे लगा पाओगे, आर टू पर। ये हमारा वेज है, आप देखिए वेज बढ़ रहा है जबकि प्रॉफिट जो है वो कम हो गया, यानी कि शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉल किया जबकि शेयर ऑफ वेज जो है वो बढ़ गया। इसी तरीके से आप आर टू लेबर काम पे लगा दोगे, आर थ्री लगा दोगे, तो इस पॉइंट पर आ जाओगे आप, इस वाले पॉइंट पर। इस वाले पॉइंट पर आप देखोगे, यानी कि इस वाले पॉइंट जिसको हम आर थ्री बोल रहे हैं, इसमें सारा का सारा हिस्सा वेज का है, किसी भी तरीके से प्रॉफिट नहीं मिल रहा। तो इसी को उन्होंने कहा स्टेशनरी स्टेज, यानी कि वो स्टेज जहां पर इकोनॉमी एक तरीके से स्थिर हो जाती है, परिवर्तन हो जाता है। अगर आप इससे ज्यादा लेबर काम पे लगाओगे तो आप देखिए आपका इनकम इतनी है लेकिन आपको ज्यादा सैलरी देनी पड़ रही है, तो एक तरीके का ये लॉस हो गया। और इस लेवल पे अगर आप लगाओगे आर फोर फाइव लेवल पे, तो इसका मतलब है कि आप वेज देने की स्थिति में भी नहीं हो, क्योंकि आपको सारा का सारा हिस्सा रेंट के रूप में ही देना पड़ रहा है, सारा का सारा हिस्सा रेंट के रूप में ही देना पड़ रहा है, आप वेज भी पे नहीं कर पाओगे। तो ये वाली जो कंडीशन है जिसको हम नाम दे देते हैं डब्ल्यू, यही स्टेशनरी स्टेज को बताने की कोशिश कर रहा है, यानी कि इस लेवल पर कोई इकोनॉमी स्टेशनरी स्टेज को प्राप्त कर लेगी। तो बच्चों किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूं। सबसे पहले होती है टोटल इनकम, इनकम इनकम में से माइनस कर दिया जाता है रेंट, जो बचता है उसको बोलते हैं सरप्लस, उस सरप्लस में से माइनस कर दिया जाता है वेज, उस वेज के बाद जो बचता है उसे प्रॉफिट बोलते हैं। जब इस प्रॉफिट को रीइन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है, कैपिटल एक्युमुलेशन कर दिया जाता है, तो लेबर की जो डिमांड है वो बढ़ती है, लेबर यानी कि की डिमांड बढ़ती है, लेबर की डिमांड बढ़ती है, लेकिन जो प्रॉफिट का शेयर है वो घटता है, क्योंकि आपको कम कुशल लेबर को काम पे लगाना पड़ेगा। मतलब प्रॉफिट नहीं गिर रहा है, प्रॉफिट का जो शेयर है टोटल सरप्लस में वो गिरता है। और धीरे धीरे एक कंडीशन एक ऐसी आ जाती है जहां पर प्रॉफिट बिल्कुल जीरो हो जाता है, उसी कंडीशन को स्टेशनरी स्टेज कहा जाता है। बच्चों ये पूरी की पूरी वीडियो है, यही पूरा का पूरा कंसेप्ट है, इसके अलावा कॉन्सेप्ट कुछ और है ही नहीं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।